लाखों से लदा ट्रक चोरी होने की खबर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सामने आई थी, जिसमें चोरों ने माल सहित करीब 44,61,000 रुपए का माल चुरा ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा है, तो वहीं दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। स्पेशल स्टील इंटरप्राइजेस के मालक परवेज भाई वैद, इनका एक 30 टन लोहे का माल बम्बई के लिए ऑर्डर था, इसलिए उसने शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट के जरिए वो माल वो भेज रहे थे। 16 को शाम वो माल लोड हुआ गाड़ी में, ड्राइवर ने ट्रक लेके अपने घर के पास जो मेहता काटा है वहाँ पे रुकाया, और वो 11:30 बजे रात को खाना खाने के लिए गया। 12:30 बजे तक आया तो कि ट्रक जगह पे खड़ा था, और वो नज़दीकी घर होने के लिए वो घर सोने के लिए गया। जब सुबह आया वो 6-7 बजे के दरमियान देखा कि जगह पे ट्रक नहीं था, उसने इधर उधर ढूंढा लेकिन ट्रक उनको मिला नहीं। उसने तत्काल उनके ट्रांसपोर्ट के मालिक और जिनका माल था वैद, इनको बताया। तब पता चला कि ट्रक किसी ने ट्रक की चोरी हो गई। वो पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन के हमने तुरंत गुना दाखिल किया 379 का, और वो डिटेक्शन के लिए हमारी जो टीम है डीबी टीम, उसके डीबी टीम के प्रमुख PSI विवेक झिंगरे और इनकी टीम को हमने लगाया। उसने वहाँ स्पॉट पे CDR ले आया, वहाँ के CCTV खंगाले, और ऐसे करके पूरे जरी पटका तक 150 CCTV उसने खंगाले। तब उनको पता चला कि ट्रक कपिल नगर के अंदर समता नगर एरिया में कोई आउटर जगह है, वहाँ पे झाड़ी में साइड को लगा हुआ था। ट्रक तो मिल गया था लेकिन मुजरिम नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमारी टीम ने बहुत टैक्टफुली उनको यह किया कि ट्रक जगह से न हलाते हुए उसने वहाँ पे ट्रैप लगाया, और जब उनको पता चला कि ट्रक क्या जगह पे खड़ा है कि कोई ना कोई जरूर आएगा, तो 2-3 घंटे के बाद एक वाइट कलर की कार में एक ही समाया उनको रुकाया। वो पुलिस को देखते भागने लग गया। पुलिस को पता चल गया कि शायद ही मुजरिम हो सकता है, उनको पकड़ा, उनका नाम वाम पूछा तो अमनदीप सिंह संधू जो पंजाब का है, 10-15 दिन से उनके गांव के शार्दुल सिंह संधू, इनके साथ वो नागपुर में आया था शार्दुल, उसने उनको वो बोल रहा है कि शार्दुल ने वो ट्रक चुराया था और उसने उनको सहयोग किया। वो ट्रक को जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता उसने वो कांद्री कनान एरिया में GPS फेंक दिया था और मिसगाइड किया था, लेकिन फिर भी बहुत होशियार से डीबी टीम और क्राइम ब्रांच की व्हीकल पतक इसने संयुक्त रीत्या मुजरिम को और पूरा जो मुद्देमाल था वो रिकवर किया है। साथ में जो वाइट कलर की कार थी शोरलेट शेल कंपनी की, वो 2018 में अमरावती शहर से चुराई गई थी। वो अमरावती शहर का भी गुना ओपन हुआ है, और हमारे कलमना पुलिस स्टेशन का 644 नंबर का जो गुना है वो भी ओपन हुआ है। दोनों गुना के पूरे 100% मुद्देमाल रिकवर हो गए हैं। ये कामगिरी के लिए हमें हमारे नागपुर शहर पुलिस प्रमुख माननीय अमितेश कुमार सर जी, पुलिस आयुक्त साहब, हमारे जॉइंट SP मैम माननीय श्रीमती दोर्जे मैम, हमारे एडिशनल CP सर माननीय रविंद्र चंद्र रेड्डी सर, हमारे जोन 5 के नवनियुक्त DCP सर माननीय श्रवण दत्त सर, और हमारे ACP सर माननीय नलावड़ी सर, सब ने मार्गदर्शन किए और बहुत अच्छे तरह से कलमना DB टीम और क्राइम ब्रांच की व्हीकल पतक के PSI इंगोले और हमारे PSI झिंगरे, दोनों ने बहुत अच्छी तरह से गुना विद इन 24 आवर्स में डिटेक्ट किया है।